अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो जी। और इसके अलावा मैं उठ चुकी हूँ और आज का हमारा जो मौसम था वो भी बहुत खूबसूरत था। और साथ साथ जी हमने कर दिया था किचन को साफ़, नाश्ते वगैरह करके सारा हमने जी किचन अपना बेहतरीन सा साफ़ कर लिया था। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अपने सिस्टर के पास आई हूँ और कुछ देर रहने के लिए, तो बस उसके पास ही आई थी और मैंने कहा जी आप तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें काम कर देती हूँ, तुम्हारा किचन साफ़ करती हूँ, साथ लॉन्ड्री वगैरह लगाई। और जी लॉन्ड्री लगाने के साथ ही ये भाई बच्चे बड़े खुश थे। और आज जो मेरी भांजी की बर्थडे है जी, और वो भी बहुत हैप्पी था। और बस इसी तरह से कुछ बच्चे बस घूम फिर रहे थे और अपने इंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारा किचन था वो नीचे से रह चुका था, मैंने कहा सिर्फ वो भी जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं, और बस नीचे से भी उसको साफ़ कर दिया। वो है ब्लैक कलर में और बस इसलिए वो ज़्यादा गंदा हो जाता है और बहुत ना अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पर मेरी बेटी भी जो थी वो माशाल्लाह से खेल रही थी और वो भी साथ साथ अपनी मस्तियों में गुम थी और दूसरे भी माशाल्लाह अपनी मस्ती में थे। और बस इसी तरह से ये इनकी यही रौनकें हैं बच्चों की, लगी रहती है माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें जो बड़े वाला है वो बस यहाँ पे गेस कर रहा था जी कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल्स, ये वो इस तरह से देख रहा था। और बस हमने कहा जी अब बच्चों को ले जाते हैं बाहर और इनको पार्क लेके जाते हैं, वहाँ पे घुमा फिरा के लेके आते हैं बच्चों को। बस हम निकल गए जी घुमाने फिराने के लिए निकल गए और इन दोनों भाइयों को हमने एक प्रॉम में डाला, अपनी बेटी को इसमें डाला डाल के, और हमने कहा जी चलें घूमते फिरते हैं। और बस यहाँ पर देखें वो छोटे वाला इसको बुला रहा था कि देखें ये क्या कर रहा है मम्मी, मम्मी ये देखिए मरवा मावा का कार्य, उसको देखते कि दोनों खुश हो रहे थे माशाल्लाह। और बस वहाँ पे हम पहुँच गए जी, और पहुँचने के बाद ये देखे मैंने इसको बिठा दिया इसके अंदर, मैंने कहा तुम झूले लेती रहो बस। और ये बड़े वाला भी कहता मैंने भी झूला लेना इसमें इस वाली पे, और बस वो भी लेने लग गया। और इसी तरह बच्चे खुश हो गए, बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा असर करता है। तो ये छोटे वाला बॉल लेके खड़ा हुआ था बस इसी, और इसके अलावा वो भी कहता है मैंने भी इसके अंदर बैठना है, और मुझे कह रहा था कि मुझे झूले देती जाओ अब हाला। तो बस ये मैं उसे झूले दे रही हूँ साथ साथ, और बाकियों को भी देख के खुश हो रहा है, और साथ मेरी बेटी भी है जो वो भी इसको देख रही थी। और इसके अलावा बड़ा वाला माशाल्लाह अपनी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था, वो इस तरह के कामों में माशाल्लाह खुश रहता है। और बस यहाँ पर वो भी घूम फिर रहा था जी, खेल रहा था अपनी मस्त दुनिया में। और बस इसके अलावा जी मेरा ईद का व्लॉग नहीं आ सका, मैं नहीं बना सकी, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे हम जी, नहीं कर सके व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। तो बस इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आप मिलती रहूँगी आप रोज़ाना के व्लॉग्स में। तो बस यहाँ पे भी हमारा देखें जी खूबसूरत सा बड़ा ही प्यारा सा मौसम था, और हमने कहा जी साथ हमारी भी वाक होगी और हमारे बच्चों की भी वाक होगी। तो बस यहाँ पे और छोटे वाला भी खेलना शुरू हो गया फिर से दोबारा, और आज वैसे भी इसकी बर्थडे थी और ये ज़्यादा थोड़ा सा ना शोहा सा बन गया था। तो बस यहाँ पर किया बच्चों ने इंजॉय, और हम आगे जी घर पे, और घर पे आने के साथ हम चले गए केक लेने। वहाँ से जी लिया हमने अपने बर्थडे बॉय के लिए केक, और इसके अलावा कुछ चीज़ें वगैरह भी सिस्टर ने लेनी थी वो भी उसने ली,
और जी लेने के बाद हमने घर पे आए और जो हमने थोड़ा सा जी बर्थडे बच्चे की करनी थी सेलिब्रेशन, उसके लिए भी कुछ खाने पीने के लिए साथ साथ, और घर पे आ गए जी। और घर पे आए और हमने आप लोगों को अब केक दिखाते हैं जी। बहुत प्यारा केक था माशाल्लाह से, और बड़ा मज़े का भी था। और इसके अलावा जो हमने साथ उसके लिए भी खाने वगैरह के लिए थोड़ी सी चीज़ें भी लाई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो हमने खाए भी, और खाने के बाद जी हमने केक को किया कट, और उसके अलावा हमने थोड़ा सा कहा जी चलें बच्चा खुश हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और इसके अलावा जी हमने केक वगैरह की कटिंग की, और वो भी खुश हो गया, हैप्पी हैप्पी हो गए बच्चे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मेरी आज की खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, और इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यारे से व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह उम्मीद। और इसके अलावा जी और अगर आप लोगों ने जो भी मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा वो लाइक वगैरह कर दें, और जी कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, तब तक।